हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि SBI PO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद SBI क्लर्क है, उसके बाद IBPS PO है और RRB के एग्ज़ाम्स हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो क्लास हाईली इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा नाबार्ड और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए भी आप इस वीडियो क्लास को देख सकते हैं। तो मैं हूं बसंत सिंघल और इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट पैटर्न के फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस। तो यूट्यूब के अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, और अनअकैडमी पर अब मैं लाइव भी पढ़ाने लगा हूं, तो अनअकैडमी की लाइव क्लासेस भी आप मेरे थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो इन वीडियो क्लासेस को रेट, रिव्यू और रेकमेंड करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो चलिए देखते हैं इन फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को। देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी बैंकिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया है, और एक सेंटेंस में ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बोल्ड किया गया है, और इस बोल्ड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है यदि आपको लगता है कि ये पार्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो ये पार्ट ग्रामेटिकली भी रॉन्ग हो सकता है और कॉन्टेक्चुअली भी रॉन्ग हो सकता है, दोनों ही तरीके से ये रॉन्ग हो सकता है। और एक इसमें ऑप्शन और होता है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड का, इसमें है नहीं लेकिन वो ऑप्शन भी आता है। तो यदि आपको ये करेक्ट लगता है तो उसके बाद उसमें आप नो रिप्लेसमेंट का आंसर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द कमीशन हैज़ डायरेक्टेड एडवर्टाइजर्स, यानी कमीशन ने एडवर्टाइजर्स को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ द वर्ड नेचुरल, कि नेचुरल वर्ड का वो यूज़ कम से कम करें। फूड और टू फूड दैट डू नॉट कंटेन कलर और फ्लेवर एडिटिव केमिकल प्रिजर्वेटिव। देखिए, जिन फूड में कलर नहीं है और फ्लेवर एडिटिव नहीं है या केमिकल नहीं है, उनको आप नेचुरल नहीं बोल सकते, ये कमीशन ने बोला है, क्योंकि नेचुरल की डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, कलर, फ्लेवर एडिटिव या केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जब हम और से इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी तो थिंग आना चाहिए ना, लेकिन नथिंग का मतलब तो नो थिंग होता है, तो नथिंग के स्थान पर यहाँ पर हम एनी थिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम जो बोल रहे हैं ये एनी थिंग है, तो इसलिए और से चूँकि हम इसको जोड़ रहे हैं तो और में हम इक्वल क्वान्टिटी को कंपेयर करते हैं, इक्वल क्वांटिटी या इक्वल एंटिटी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नथिंग के स्थान पर इसमें क्या आएगा, एनी थिंग आएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, एनी थिंग दैट हैज़ बीन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सिंथेसाइज किया गया है, जो आर्टिफिशियली जिसको क्रिएट किया गया है, उसको आप नेचुरल नहीं बोल सकते। तो ये इसका मीनिंग है, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इरोक्वूस वर प्राइमरली प्लांटर्स बट सप्लीमेंटिंग देयर कल्टिवेशन ऑफ मेज, स्क्वेयर्स एंड बीन्स विथ फिशिंग एंड हंटिंग। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इरोक्वूस जो थे वो मेनली या प्राइमरली प्लांटर्स थे, प्लांटिंग करते थे यानी एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वो अपनी अपनी एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट भी करते थे फिशिंग और हंटिंग के द्वारा। तो इसमें यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, चूंकि इरोक्वूस एक नाउन है तो इसके स्थान पर आप दे लगा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, ऑल्दो दे सप्लीमेंटेड, चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है कि प्राइमरीली वो प्लांटर्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट किया फिशिंग और हंटिंग के द्वारा। ऑल्दो दे सप्लीमेंटेड, देखिए इसमें भी हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है और यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस है, तो ग्रामर के हिसाब से भी ये सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ये सही है। ऑल्दो दे सप्लीमेंटेड, although they supplemented their cultivation of maize, squares and beans with fishing and hunting, तो इसमें आंसर होगा आपका डी। कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के, और कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि किस ऑप्शन को लगाया जाए। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के थ्रू इन क्वेश्चन को आप सीख सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं बैंक PO के, प्री के और मेंस के, ये इस समय मैं अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी अनअकैडमी पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं।
तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और यदि मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, इसके थ्रू आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मेरी लाइव क्लासेस आप लैपटॉप पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से इस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, कार्निवोरस मैमल्स कैन इंड्यूर, कार्निवोरस जो मैमल्स हैं वो इंड्यूर कर सकते हैं, वो सहन कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी फैक्ट की बात करते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर विच कैप्ट को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। तो यहां पर विच कैप्ट लगाते हुए हम विच कीप लगा सकते हैं, लेकिन विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच जो है ये कार्निवोरस से रिलेटेड नहीं है, ये इस नेटवर्क से रिलेटेड है, और नेटवर्क चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहां पर हम बोलेंगे दैट कीप्स, कीप में हम एस लगाएंगे, ठीक है। और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहां पर हम ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं या एक फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका दैट कीप्स, दैट कीप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एज कॉन्ट्रास्टेड विद द हनी बी, द येलो जैकेट कैन स्टिंग रिपीटेडली। देखिए यहां पर इसकी दो स्पीसीज बताई हैं हमने, हनी बी है और हनी बी की एक दूसरी स्पीसीज है येलो जैकेट। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि येलो जैकेट कैन स्टिंग रिपीटेडली, येलो जैकेट जो होती है वो डंक मारती है किस तरीके से, रिपीटेडली, और इस सेंस में वो हनी बी से अलग है। येलो जैकेट रिपीटेडली डंक मारती है और हनी बी रिपीटेडली डंक नहीं मारती, तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, येलो जैकेट को हनी बी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अनलाइक द हनी बी, मतलब येलो जैकेट जो है वो हनी बी की तरह नहीं है, क्योंकि येलो जैकेट जो है वो रिपीटेडली स्टिंग करती है, हनी बी ऐसा नहीं करती। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, और काफी स्टूडेंट, मैंने लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसमें भी काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें सही आंसर होगा अनलाइक द हनी बी, क्योंकि येलो जैकेट जो है वो हनी बी की तरह नहीं है। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फोर्थ कमिंग बैंकिंग एग्जाम्स में। नन ऑफ द अटेम्प्ट टू स्पेसिफाई द कॉजेज ऑफ क्राइम एक्सप्लेन्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपुल एक्सपोज टू द लीस्ट कॉज डू नॉट कमिट क्राइम, एंड कन्वर्सली वाई सो मेनी ऑफ दोज नॉट सो एक्सपोज हैव। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस में हम दो तरह के लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि जो देखिए क्राइम के कुछ रीजंस होते हैं, तो जो लोग क्राइम के रीजंस के साथ एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, जो क्राइम कर सकते हैं वो क्राइम नहीं कर सकते, जो क्राइम कर सकते हैं वो क्राइम नहीं करते, और जो क्राइम नहीं कर सकते, जो एक्सपोज नहीं है वो करते हैं ऑलरेडी। तो दो तरह के लोगों को हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, पीपुल एक्सपोज टू द अलीस्ट कॉजेस डू नॉट कमिट क्राइम, एंड कन्वर्सली सो मेनी ऑफ दोज नॉट सो एक्सपोज कमिट क्राइम्स। इसका मतलब यहां पर आएगा आपका, चूंकि यहां पर हमने डू नॉट लगाया है निगेटिव सेंटेंस के लिए, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे डू। जैसे यदि मैं बोलूं कि राम एंड श्याम डू नॉट वर्क, राम एंड श्याम काम नहीं करते, राम एंड श्याम डू नॉट वर्क, बट मोहन, और मैं बोलना चाहता हूं कि मोहन करता है, राम एंड श्याम काम नहीं करते लेकिन मोहन करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, राम एंड श्याम डू नॉट वर्क बट मोहन हैव, नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मोहन डज, ठीक है। तो उसी तरीके से चूंकि यहां पर डू नॉट आया है तो यहां पर डू आएगा, डू इसलिए आएगा क्योंकि हम मैनी ऑफ दोज की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डज ना आते हुए यहां पर जो आएगा वो डू आएगा, और इसका आंसर होगा आपका डू। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कन्वर्सली का मतलब होता है इसके उल्टा, मतलब एक हम अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, दूसरा हम एक निगेटिव सेंटेंस दे रहे हैं, तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ प्राइज स्टॉक ब्रीडिंग विद इंडिविजुअल्स बुल्स एंड काउस रिसीविंग अवार्ड्स फैचिंग अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस। एंड देखिए यहां पर चूंकि रिसीविंग है, यहां पर ये किसके लिए बोल रहे हैं, हम एनिमल्स के लिए बोल रहे हैं, ये जो प्राइज स्टॉक, ये जो ब्रीडिंग है इसके लिए हम बोल रहे हैं। तो यहां पर जब हम रिसीविंग बोल रहे हैं, यहां पर हम फैचिंग बोल रहे हैं, तो यहां पर हम एक्साइट
राइटिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेललिज्म पैरेलल सेंटेंस को करना है, हमें सेंटेंस को कंसिस्टेंट करना है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे एंड एक्साइटिंग, और यहां पर एक्साइटिंग ही आएगा, एंड एक्साइटिंग नहीं आएगा, एक्चुअली ये गलत है क्योंकि यहां पर कॉमा दिया गया है। एक्साइटिंग काउ रिसीविंग अवार्ड्स कॉमा फैचिंग अनप्रेसिडेंटेड प्राइस, एंड के साथ भी लगा सकते हैं, एंड एक्साइटिंग इनॉर्मस इंटरेस्ट, तो एंड यही इस पर सही होगा, ठीक है। तो इसमें पैरेलल ये कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें आपका सी जो है सेंटेंस वो सही होगा। अब हम आगे देखते हैं, फॉर मेंबर्स ऑफ द 17th सेंचुरी असंती नेशन इन अफ्रीका एनिमल हाइड शील्ड्स विद वुडन फ्रेम्स वर एसेंशियल आइटम ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। देखिए यहां पर क्या दिखाया है, अ मेथड टू प्रोटेक्ट। देखिए आइटम्स जो हैं मिलिट्री के, जो आइटम्स हैं वो मेथड नहीं हो सकते, मिलिट्री के आइटम जो हैं या मिलिट्री इक्विपमेंट जो हैं वो प्रोटेक्ट करते थे वॉरियर्स को, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एसेंशियल आइटम ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्टेड वॉरियर्स, या दैट प्रोटेक्टेड वॉरियर्स आप नहीं बोल सकते, बोलना चाहते तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग वॉरियर्स, क्योंकि प्रोटेक्टिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये इस नाउन से, ये जो नाउन है इक्विपमेंट, इससे ये कनेक्टेड है, तो यहां पर आप प्रोटेक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये काफी पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में। यहां पर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड व्हाट कुड बी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अ जायंट फंगस दैट इज एन इंटरवूवन फिलिग्री ऑफ मशरूम एंड रूट लाइक टेंटिकल्स स्पॉन्ड बाय अ सिंगल फर्टिलाइजर स्पोर सम 10,000 ईयर्स अगो एंड एक्सटेंडिंग फॉर मोर देन 30 एकर इन द सॉयल ऑफ मिशिगन फॉरेस्ट। मिशिगन फॉरेस्ट में ये एक्सटेंड करते हैं 30 एकर तक, तो एक्सटेंडिंग यहाँ पर ये सही है, ठीक है, एक्सटेंडिंग सही है, और इसमें आंसर होगा आपका नो रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वासर्स की इसमें बात की जा रही है, क्वासर्स एट बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स बिलीव टू बी। देखिए क्वासर्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, लेकिन ये वर्ब कंप्लीट वर्ब नहीं है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, आर बिलीव टू बी हम बोलेंगे, यहाँ पर हम आर भी लगाएंगे क्योंकि आर के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। क्वासर्स आर बिलीव टू बी, इसका मतलब है कि क्वासर्स के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है, क्वासर्स आर बिलीव टू बी, तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिलीव टू बी यहाँ पर दिया है, आर नहीं दिया, तो इसमें हो जाएगा आर बिलीव टू बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। मैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और यदि आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो ये रेफरल कोड आपको डालना है, इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरे इस समय दो बैच चल रहे हैं अनअकैडमी पर, एक 11 से 12 की क्लास है और एक 1 से 2 की क्लास है, और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सारी लाइव क्लासेस, टोटली सारी लाइव क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की बेस्ट एजुकेटर्स की वो आप देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन ले यदि आप लेते हैं इंग्लिश का, सपोज आप लेते हैं मेरा, मेरे कोड के थ्रू आप लेते हैं, तो आप सारी क्लासेस सारे टीचर्स की देख सकते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और क्वांट की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, इंग्लिश की, ये सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी पर यदि आप अभी तक नहीं आए हैं, और डेफिनेटली आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।